भाई रामवीर जी की तरफ से आपने सुना है। हाँ। कार्यक्रम तो बढ़िया चल ही रहा है। हाँ। लेकिन एक प्रेम स्नेह जो मिल रहा है रामवीर भैया, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी। क्या बात है, क्या बात है बेटे। आप सभी को भी हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ। चूंकि लोग कहते हैं कि ये हाथरस अलीगढ़, ये सारा क्षेत्र रसिया का क्षेत्र है। हाँ। और कई लोग कहते हैं रसिया में अनेक तरह से गीत होते हैं, लेकिन बिल्कुल विपरीत देखने को मिल रहा है। क्या बात है, वाह क्या बात है। इसके लिए आपको मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। चूंकि जैसा व्यक्ति चाहे वैसा माहौल बन जाता है। अगर हम ही लोग चाहें तो अच्छा बना ले, हम ही लोग चाहें तो बुरा बना ले। और क्या, और क्या? बढ़िया जवाब आपने जो दिया है, अच्छा है, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। कौआ काओ काओ, चौंच मारे पाओ पाओ, फिर रहा है गाँव गाँव। रामीर भैया, मैंने ये कहा था कि जब मेरे सामने ये सवाल आया था तो मैंने जवाब दिया था तोते का टाए टाए, लेकिन आप वही कौए के चक्कर में चले गए। ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है। फिर आपने कहा कि मजबूरी है जो परदेश में जाना मजबूर कर देती है। रामीर भैया, वरना अपनों से दूर रहना कौन चाहता है। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। दौलत, दौलत, दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। पीछे मुड़ के देखा तो पता चला कि जमाने निकल गए। सोचा कि कुछ वक्त गुजार लूं बच्चों के साथ। घर वापस आया तो पता चला कि बच्चे भी कमाने निकल गए। फिर आपने एक तर्क बहुत बढ़िया दिया है रामीर भैया, मैं आपसे कुछ कहूंगी नहीं, केवल कथानक में थोड़ा आपसे चर्चा करूंगी। आपने कहा कि उनकी मौत उनके पांव में नहीं थी, उस बहेलिए के तीर में थी। अगर बहेलिए के तीर में थी तो बहेलिया का तीर भगवान के सीने में लग जाना चाहिए था। हाथ में लग जाता, सिर में लग जाता, पैर में ही क्यों लगा जाके। आप इस बात से अनभिज्ञ नहीं है, ये मैं जानती हूँ कि इस बात को आप भी जानते होंगे, क्योंकि भगवान कन्हैया के पैर में पदम था और उनका निशान था कि उनकी मृत्यु यहीं से ही होगी। भगवान ने जब वहाँ बाली को मारा तब वचन दिया था ये सत्य है, लेकिन भगवान कन्हैया ने जब पूरे शरीर में खीर लगाई बड़े भैया, तो पैर में उन्होंने छोड़ दिया कि मैं इस खीर को पैर में नहीं लगा सकता। तो कहा कि कन्हैया, तुमने अगर ये खीर पैर में लगा ली होती तो तुम्हारे पूरे शरीर में कहीं भी कोई भी चोट नहीं कर पाता, बस यही निशान बाकी रह गया जहां से तुम पर चोट हो सकती है। बाकी सब जानने वाले हैं, सुनने वाले हैं और YouTube के माध्यम से भी सुनेंगे, मेरी बात कहीं गलत नहीं होगी रामीर भैया, आपने कहा। लेकिन जवाब में मैं बता रहा हूं कि शिव का भक्त सोच रहा कि मौत मेरी नाभि में है। निवेदन कर रही हूं, अगर आपके मान लो कंठ में अमृत हो तो आप सोचेंगे कि हमारी मौत इस अमृत से है। कभी अमृत से मौत होती है? बताइए, रावण की नाभि में अमृत था तो क्या अमृत से मौत हो जाएगी? ना, घर का वेदी लंकड़ है। समझो रामीर भैया, पता नहीं क्या कर क्या सोच के आप गा रहे हैं आज। और क्या, वैसे गा बढ़िया रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लेकिन इधर उधर का जोड़ रहे हैं। और क्या, आपसे हम बहुत उम्मीद करके आए हैं। और क्या, उम्मीदों पे पानी मत फेरो भाई साहब। भोलेनाथ कह रहे कामदेव की मौत नहीं।
निश्चित मेरी एक निगाह में है। हाँ। भोलेनाथ सोच के नहीं बैठे हैं कि कामदेव की मौत मेरी निगाह में है। हाँ। अचानक भोलेनाथ का नेत्र खुला, चितवत काम भयो जल छारा। सोच नहीं रहे हुआ, लेकिन आप इधर उधर भाग रहे हैं, यही बहुत कुछ है। और क्या, और क्या, बाकी आपसे कुछ कहना नहीं है। गीत का जवाब भी आपने ठीक दिया है। महाशिवरात्रि है, ये हमको मालूम नहीं था, पहली बार पता चला है। चलो बेटा अब लिख लो इस बात को। अरे मैं शिवरात्रि गा रही हूँ, इसका मतलब मैंने ये नहीं कहा कि आज इसको महाशिवरात्रि नहीं कहा जाता। मैंने कारण दिखाए थे कुछ, कैसे शिवरात्रि बना, कैसे शिवरात्रि को हम लोग मनाते हैं। बाकी वो महादेव है तो उनकी हर बात महा है ही, और क्या है? आवश्यकता नहीं है बताने की कि महाशिवरात्रि है। चलिए आपका एक कटपीस आया है। कौन सा बैठे? आपका कटपीस कह रहा है क्या? अरे मैं प्यासा राही तू पनघट की रानी, कलाकारों के लिए आशीर्वाद मिला है। बहुत बढ़िया कलाकार हैं भैया जी, मेरी ओर से ढेर सारा धन्यवाद है। स्वागत है, सुनेगा सुने। कि मैं प्यासा राही तू पनघट की रानी, बुझा प्यास मेरी तेरी मेहरबानी, घटा छा गई है, घटा छा जी। अगर आप किसी के दिल में ना होती तो यहाँ आती नहीं। रामीर भैया, ये तो पता चल गया कि हम सबके दिल में है, बस इसे बनाए रखना। मेरा कहना कि इसको बनाए रखना। और क्या, क्योंकि आजकल के लोग जरा जरा सी बात पे कहते हैं कि दिल टूट गया। ये इससे अगर जवाबी है, कहीं थोड़ी इधर उधर बात हो जाए रामीर भैया, इसलिए कहा कि उस सबको भुला के भैया जी दिल में बसाए रखना, नहीं तो कहो कि दिल टूट गया। ये दिल टूट गया, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया, घटा छा गई है। दवाई और क्या, और दवा के ला रहे हैं काख में सूर को, वो दवा के लाना। ये है। एक
दो अर्थ, दवा ला रहे और दवा के ला रहे। और क्या? समझो समझो, दर्द दिल। रामीर भैया अब इतना पोथी पत्र ना खोलो ना। और क्या यानी इस बैग में का लेके आए? किसी गैर से, किसी और से प्रोग्राम थोड़ा ही है, तुम्हारी बहन है, यानी कि ये गृह युद्ध है बस। और देखिए सुनने वाले लोग बैठे हैं। हाँ। एक शब्द के दो अर्थ हैं। हाँ। और जवाब में कहीं एक शब्द में दो अर्थ आ जाए, रामीर भैया तो आपकी ही बहन है। वैसे तो हमें ये भी ला दे कि हवा खा रहे हैं। कई लोग कहते नहीं वो तो हवा खा गए। और क्या? लेकिन मैं चारियों की दवा ला रहे हैं, दवा ला रहे हैं। तो रामीर भैया एक शब्द के दो अर्थ जवाब में आ जाए तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगी। सुनिएगा। सुनिए कि रावण की जाकर के बगिया उजारी। बोले मैया मुझे भूख लगी। मैया मुझे भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली। सुनिएगा, माता जानकी ने कहा कि हनुमान वैसे तो ये बगिया हमारी नहीं है मैया, आपकी, आप तो बस आदेश दो। हाँ। मैया ने कहा ठीक है आदेश है, लेकिन ऐसे नहीं, राम जी के चरण अपने हृदय में धर के जाओ, क्योंकि जब भी कोई भक्ति का फल लेने जाता है विश्वास मानिए जब तक राम जी के चरण आपके हृदय में नहीं होंगे तो आप भक्ति का फल प्राप्त नहीं कर पाओगे। सुनिएगा रामीर भैया। सुनिए तो रावण की जाकर के बगिया उजारी, तो बजरंग जैसे ही देखा कि ये फल पा रहे हैं तो उधर से रावण की सेना आ गई। हाँ। ये कौन बंदर है? पकड़ो इस बंदर को, पकड़ो। और जैसे हनुमान जी की तरफ दौड़े तो हनुमान जी महाराज ने भी नहीं छोड़ा। कछु मुर्देसी। कछु मुर्देसी, कछु परदेसी। रामीर भैया कछु मिलिए सीधर धूर। हाँ। कछु पुन जाई पुकारे प्रभु मरकट बल भूर। हाँ। और जैसे ही हनुमान जी के सामने लड़ने को आए तो बजरंग से लड़ने को जो दल आया। रामीर भैया एक जगह फल पा रहे हैं यानी खुद खा रहे हैं, तो रावण की जाकर के बगिया फल पा रहे हैं। लेकिन उसके बाद बजरंग से लड़ने को जो दल आया, तो बजरंग से लड़ने को जो दल आया तो सन्मुख ये बजरंग के बोकल पाया। और बजरंग बली ने जैसे ही पूछ मारी तो करनी का भैया जी वो फल पा रहे हैं, वो फल पा रहे हैं।
फल पा रहे हैं, ओ फल पा रहे हैं, प्रयास रहा है रामीर भैया। ये उपाध्याय डेरी चंदफरी से बजरंग दल से हैं ये। हाँ नादी दिन ना नादी दिन। ये 51 पद मुद्रा है, नमन कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को। एक गीत भैया की तरफ से बहुत बढ़िया और आया है, बहुत बेहतरीन गीत लेके आए हैं। कह रहे हैं क्या तुम बताओ क्या समझो। वो लाइनें छिक गई, स्याही फैल गई, समझो। आपका फिल्मी गीत कह रहा है क्या कि ये जो आंखें शर्म से झुक जाएंगी, समझो के इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें इन्हें देख कर जी रहे है। भले तो गले हार सर्पों का है, ले चले तो गले हार फूलों का है, ले खले तो गले हार मुन्नों का है, दो तीन हार और हैं। और है, बताओ बेटा। है भले तो भले हार नोटों का है, समझो, हार मणियों का है, बहुत से हार है और क्या। लेकिन रामीर भैया आप भी हार गा रहे, हम भी हार गा रहे, कोई मतलब नहीं बनेगा। और क्या, सर्पों का हार, मुंडों का हार, फूलों का हार, बाहों का हार,
पैसों का नोटों का हार आजकल देख रहे हैं। और क्या और क्या, चांदी का हार, सोने का हार, नौलखा हार। रमीर भैया, भोलेनाथ की आपने गाथा सुनाई है, कथा सुनाई है, उसी में आपने दिखाया, तो प्रयास कर रही हूँ कि कुछ मेरी तरफ से श्रृंगार में आ जाए, क्योंकि ये हर युग में है। सुनिएगा, सुनिए। भगवान भोलेनाथ हर युग में आए हैं, तो इस तरह से मैं जवाब लाने का प्रयास कर रही हूँ। सुनिएगा, सुनिए। कि कहीं सोए तिवरण सियो, कहीं नीले वरण, हो जाते हैं। तो सुनेगा, सुनिए। अरे रंग रूप है शिव का आला, कईयो को सर पे है समाला, तो पहने जो भैया सुनेगा, सुनिए। पहने जो जनेऊ सर्प का, अंधकार हार सर्प नहीं, जने वो भी सर्प का ही है। और क्या, पहने जो जने वो सर्प का, आदरणीय चाचा जी की तरफ से पुष्पमाल और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। चाचा जी, वाकई आज आपने कमाल कर दिया, जिंदगी की कायम के मिसाल कर दिया। वैसे तो हम लोगों के पास कुछ था नहीं, आपने माला और माल देके माला माल कर दिया। धन्यवाद है मुकेश भैया के लिए विवाह, ये माला उतारना नहीं, ना ना बेटे ना, इसी से तुम पहचाने जाओगे। पहने जनेऊ सर्प का, अब दूसरी जगह देखिए जनेऊ किसका है, किसका, कि त्रेता युग में वही सो हनुमत हुए, you
बात है भाई मुकेश जी, शाबाश, कोई जोड़ नहीं है। क्या बात बेटा, कोई जोड़ नहीं है तुम्हारा, कितना साफ सुथरा झपताल दस मात्रा बजा के आए हो बेटा। वही शंकर भगवान जब हनुमान जी के रूप में आए, शंकर स्वयं केसरी नंदन। भैया जी सुनिएगा, सुनिए कि त्रेता युग में वही स्यो हनुमत हुए, तो उनके स्वामी सुनो श्री रघुपति हुए, कपिवर का रूप निराला है, कपिवर का बोलवाला है, कपिवर का रूप निराला है, कपिवर का बोलवाला है, और कि पहने जो जनेऊ मूंज का, क्योंकि कांधे मुझे जनेऊ साजे, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया जी। तो पहन जो गहन जो जनेऊ मुझ का, छोटा सा प्रयास रामवीर भैया जी कि रमते रमापति रमेश वो अंग अंग सुनो, विराजे रथ की ध्वजा पर बजे रंग सुनो, वही द्वापर में अरे रथ को हाक रहे नंदलाला। धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, सुनिएगा सुनिए, अरे रथ को हाँक रहे नंदलाला, ध्वजा पे है अंजन लाला, अरे रथ को हाँक रहे नंदलाला है ध्वजा पर बजरंग वाला। तो भैया जी कि पहन जो जनेऊ सूत का, धन्यवाद है, पहन जो गहन जो जनेऊ, रामीर भैया आदने जल्दी में एक गीत भैया के लिए और है मेरी ओर से, कौन सा रामीर भैया, फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं क्या बेटे, अरे ठीक है गा रहे हैं क्या, बहुत ही साधारण सा गीत है रामीर भैया जी, फिर कह रही हूं मेरे गीतों में कुछ नहीं है ना, बिल्कुल अरे चाय की तरह है, और क्या और क्या, अरे दिल में बेचैनी आंखों में इंतजार होता है, अरे
भारत के भक्त आकर के जल चढ़ाते हैं, इसलिए महाशिवरात्रि, क्योंकि रात में जल चढ़ाते, जल रात में नहीं, जल तो दिन में आके चढ़ाते हैं। लेकिन खैर उससे कोई लेना देना नहीं है। ना बैठे ना रामीर भैया, अब दूसरा गीत मेरी तरफ से सुनिए। जिस समय जनकपुर में अकाल पड़ गया, सूखा, महाराज जनक ने हल चलाया, तो भैया रामीर भैया जी कि भूमि सोने के हल से जब ज्योति, उस कन्या को पाया तो जनक जी सोच रहे हैं क्या, अरे हर पिता के पुत्री कब होती, अरे लाख उदय हो भाग तब होती, अरे बेटा तो भाग से पैदा हो जाएगा लेकिन बेटी तो सौभाग्य से ही होगी। वाह बेटे वाह, अरे लाख उदय हो भाग तब होती, तो अपने नाम से नाम को जोड़ा, कभी सिया से मुख ना मोड़ा, तो पुत्री के लिए तो मानो, रामीर भैया भैया पुत्री के लिए तो मानो कृपा प्रसाद होता है, तो मानो कृपा प्रसाद होता है, जब पिता का शीश पर हाथ होता है, क्यों, क्योंकि छोटी फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं छोटी छोटी रातें, लेकिन देखिए रामीर भैया, अरे छोटी छोटी खुशियों में खुश रह लेती है, बड़े बड़े भी दुख को नारी सह लेती है, छोटी छोटी खुशियों मैं खुश रह लेती है, बड़े बड़े भी दुख को नारी सह लेती है, अरे पति के पहले पितु का ये आशीर्वाद होता है, जब पिता का शीश पर हाथ होता है, बचपन में होती है कन्या होती है तो उसके रक्षक में उसके पिता होते हैं, वाह, लेकिन जब वो बड़ी हो जाती है, विवाह हो जाता है, यानी बालपन से जब युवावस्था में पहुंचती है, विवाह हुआ तो पति की संरक्षकता में पहुंच गई, जय हो। और जैसे ही जानकी जी अयोध्या में पहुंची, कुछ देर रही, तो इधर माता कैकेयी ने वनवास मांग लिया, राम जी वन को जाने लगे तो जानकी जी कहने लगी प्रभु हम भी चले गए, राम जी ने कहा नहीं जानकी तुम कैसे जंगल में रहोगी, और क्या, जानकी ने कहा कि प्रभु जैसे आप रहेंगे वैसे हम रहेंगे, और क्या लेकिन जब जानकी को समझाया तो जानकी जी कहने लगी प्रभु अरे तुम ही से शोभित मेरे आभूषण, अरे लगे आप बिन भारी ये भूषण, आप नहीं है तो ये सोना चांदी ये आभूषण मेरे लिए भार है,
जिए बिन देह नदी बिन वारी वैसी नात पुरुष बिन नारी जिए बिन देह नदी बिन वारी वैसी नात पुरुष बिन नारी और इतना नहीं हाँ पत्नी के लिए तो मानो पत्नी के लिए तो मानो अरे ईश्वर साथ होता है पत्नी के लिए तो मानो जी ईश्वर साथ होता है कब जब पति का हाथ में हाथ होता है होता है जब पिता का शीश पर हाथ होता है आखिरी टुकड़ा सुनिएगा सुनिए वही जानकी जब पुनः पुनः वन से वापस आती हैं राम जी के द्वारा जब पुनः वन भेज दी जाती हैं वाल्मीकि आश्रम में रही वहां उनके दो सुकुमार हैं एक है लव और दूसरे हैं कुश एक है लव और एक है कुश दोनों रहते थे बड़े खुश जानकी जी कह रही है अपने दोनों सुकुमारों से बेटा बेटा अरे तुम ही आखिरी मेरे सहारे हो अरे हम है तुम्हारे तुम हमारे हो अरे श्रवण के जैसे श्रवण के जैसे पुत्र दुलारे हो अरे प्राण से प्यारे नयन के बस तेरी खुशी में मेरी खुशी है मेरी खुशी में तेरी खुशी है और इतना नहीं अरे माँ के लिए तो मानो पहले कन्या फिर वही पत्नी बनी फिर वही नारी माँ बन जाती है बाल अवस्था में पिता जवानी में उसका पति और बुढ़ापे में अरे माँ के लिए तो मानो अजी माँ के लिए तो बेटा ध्रुव पहलाद होता है अरे माँ के लिए तो बेटा जी ध्रुव पहलाद होता है कब कब जब पुत्र का चरण में हाथ होता है तीन पन है बाल युवा और वृद्धपन और भैया जी तीन जगह शीश हाथ और पैर वाह बेटे वाह जब पिता का शीश पर हाथ होता है सावन आपकी तरफ से 11 पद मुद्राएं हैं धन्यवाद है सुनिएगा सुनिए फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं क्या अरे Thank you.
राजा बना दो। बोले नहीं महाराज, नहीं महाराज, केवल दो वरदान दे दीजिए। और क्या, केवल दो। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत टीका, दूसर वर मांगो करजोरी। कौन सा वरदान है, कौन सा वरदान है? बोले तापस वेश विशेष उदासी, चौदह बरस राम वनवासी। सुनेगा, सुनिए। और जैसे सुना के राम वनवासी, तो महाराज बोले कह कही तूने क्या कही? अरे लागी अवध को किसकी नजरिया, लेकिन
मजाल है कि तराना गा जाए। हा हा, है कोई रामीर भैया, लेकिन गाया गया कैसे? कैसे बेटे? बनवास मांगा किसने, कैकेयी ने? हा, कान भरे किसने, मंथरा ने? हा, मंथरा की जिब्या पर कौन आई, सरस्वती? हा, नाम मंथरा मन निमति गए, चेरी कैकेयी के अजस पिटारी, ताहे कर गई गिरा मति फेर। और सरस्वती को किसने भेजा, देवताओं ने? हाँ। और जैसे ही देवताओं ने देखा कि राम बन गए, हाँ। तो बोले अब तो हमारे काम बन गए, खुशी से झूमने नाचने लगे, देवांगना नृत्य कर रही हैं। हाँ। अच्छे जवाबों के साथ आदरणीय हमारे भाई रामवीर भैया जी, और विश्वास मानिए